आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बेसिक पैनकेक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और मैंने इसे मज़ीद आसान कर दिया है ब्लेंडर में बनाकर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्लेंडर, जिसमें हम दूध डाल देंगे 3/4 कप। तो 1 कप आप दूध लीजिएगा, उसमें से थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। और दूध यहाँ जो यूज़ करिएगा वो लाजमी ठंडा होना चाहिए, ज़रा सा भी गर्म नहीं होना चाहिए। दूध डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 अंडा। अंडा पहले ही चेक कर लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। अंडा डालने के बाद अब हमें ब्लेंड करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे। तो हम जो यहाँ पर ब्लेंड करेंगे वो लाजमी 1 मिनट ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर वीडियो मैंने फास्ट कर दी है और शॉर्ट भी कर दी है, लेकिन आपको कम्प्लीट 1 मिनट ही ब्लेंड करना है इन दोनों चीज़ों को। और उसके बाद इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें डालेंगे। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पर ये कंप्लीट मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी। ये दानेदार चीनी मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्लेंडर में चाहे केक बनाएं या पैनकेक बनाएं, ब्लेंडर में जो भी हम डिज़र्ट या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर दानेदार चीनी यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लेंडर के अंदर चीनी जो है वो पिस जाती है, इसलिए पिसी हुई चीनी जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी हो जाती है बहुत। तो चीनी जो मैंने यहाँ यूज़ की थी वो 1/4 कप यूज़ की थी। तो 1/4 कप जो है वो बहुत थोड़ी सी चीनी है, तो इसलिए अगर से आप थोड़ा मीठा तेज़ खाती हैं तो फिर आप चीनी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें मैंने डाला है वनीला आइसेंस 1 टीस्पून। वनीला आइसेंस जो है वैसे इजीली आपको बड़े स्टोरों में मिल जाएगा, जहाँ बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, तो फिर वो इसे वनीला आइसेंस को जो है वो छोड़ दें, ना डालें, तो अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है वनीला आइसेंस। और वनीला आइसेंस की खुशबू अच्छी लगती है केक वगैरह में, इसलिए डाला जाता है। और वनीला आइसेंस डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था 3 टेबल स्पून ऑयल। और डाल के जो है इसे हम कवर कर लेते हैं और दोबारा मज़ीद ब्लेंड कर लेते हैं, ताकि चीनी जो है वो कंप्लीट जो है पिस जाए। तो तकरीबन 30 सेकंड के लिए यानी आधा मिनट के लिए हम जो है मज़ीद ब्लेंड करेंगे सब चीज़ों को। अब सब चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए अब जो है हमें चाहिए बड़ा बाउल, जिसके अंदर हम सारा जो लिक्विड बैटर है अपना डाल देंगे। तो बड़ा ही बाउल यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद इस पर मैंने रख दी है छन्नी, और छन्नी में डाल दिया है मैंने मैदा 1 कप। और लाजमी जो है वो मैदे को छन्नी से छान के ही डालेंगे। मैदे को मैंने छन्नी से छान लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। इस रेसिपी में कहीं पर भी बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया है मैंने। और इसके बाद डाल देंगे इसके ऊपर 1 चुटकी नमक। डाल के सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे, कि इसके अंदर किसी किस्म की भी गुठली ना रहे, यानी लम्स ना रहे। तो देखिए छोटे छोटे पीसेस इसमें महसूस हो रहे हैं, गुठलियाँ महसूस हो रही हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत ओवर फोल्ड नहीं करेंगे, यानी बहुत ओवर मिक्स नहीं करेंगे, जिससे ये ख़राब हो जाएगा बैटर इसका। तो देखिए करते करते ही जो है गुठलियाँ लम्स जो है वो ख़त्म हो गए कम्प्लीट। तो इसे हम जो है चलते हैं पकाने की तरफ। लेकिन मुझे मज़ीद एक चीज़ आपको सिखानी थी इसके अंदर, कि देखिए इस तरीके से आप कोई भी बर्तन ले लें। यहाँ मैंने 1/4 कप लिया है, लेकिन इससे छोटा भी आपके पास हो तो कोई ले लीजिएगा, और उसे भर के इस तरीके से, और इससे हम डालेंगे। और एक्स्ट्रा जो है उसे मैंने इस तरीके से झाड़ दिया है। तो ये अब हम डालेंगे, अब चलते हैं पकाने की तरफ पैनकेक को। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें चाहिए कोई भी पैन, इसके अंदर ऑयल जो है हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। टिश्यू के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिएगा, उसे जो है इसके ऊपर ग्रीस कर लीजिएगा पैन को, फ्राई पैन को। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे पैनकेक का बैटर। तो ये इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद जो है अब हम फ्लेम कितना रखेंगे, तो हम फ्लेम रखेंगे लो, यानी हल्की आग रखेंगे, और इस तरीके से बबल्स आने लगेंगे। मैं मज़ीद आपको वीडियो में आगे दिखा दूँगी किस तरीके के बबल्स आएंगे, और थोड़ा सा पका हुआ फील होगा ये कि भाई पक गया है ये। तो उसके बाद इसे हम पलटेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया है, देखिए पकते पकते कितने बबल्स आ गए। इसके बाद इसे हम पलटेंगे। जब पलटा है मैंने तो देखिए इतने अच्छा गोल्डन हो गया है। इस तरीके का गोल्डन करना है आपको भी।
और ये दूसरे साइड से भी हो गया है, तो मैं इसे आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना अच्छा गोल्डन हुआ है। इसी तरीके दूसरा बनाएंगे, दूसरे के लिए भी देखें ऑयल जो है इसी बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लगा लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद बैटर डालेंगे। मैंने कंप्लीट बैटर डाल दिया है और मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसमें, देखें इस तरीके के जो बबल्स आ रहे हैं, मज़ीद बबल्स आते जाएंगे और बहुत थोड़ी सी देर के अंदर ही ये बहुत पका हुआ फील होगा क्योंकि बहुत पक गया है और बबल्स कंप्लीट आ गए हैं, तब इसे हम पलटेंगे, उससे पहले नहीं पलटेंगे। अगर से आपने उससे पहले पलटा तो उनका शेप ख़राब हो जाएगा। देखिए कितने सारे बबल्स आ गए हैं, जब इस तरीके बबल्स आ जाएंगे तो समझ लें ये नीचे से पक गया है, तो इसे हम पलट लेंगे, एहतियात के साथ पलटेंगे। देखें पक गया है एक साइड से, दूसरी साइड से हम पकाएंगे, लो फ्लेम पर ही पकाएंगे लाजमी, तो बहुत थोड़ी सी देर के अंदर ये पैनकेक हमारे रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है ये। इसी तरीके से वन बाय वन मैंने सारे बना लिए थे और इसके बाद जो है मैंने जस्ट फॉर डेकोरेशन इसके ऊपर जो है थोड़ा सा हनी डाला है, शहद डाला है, तो ये ऑप्शनल है, मर्जी आपकी। अभी हमारे बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार और आसान पैनकेक बिल्कुल रेडी हो गए सर्व करने के लिए। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।